हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो फ्रेंड, ट्विटर पे जी हाँ फ्रेंड, एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर यानी कि हैशटैग #NTPC_1Student1 रिजल्ट की अपार सफलता के बाद आज जो है एक और जो है ट्विटर पे जो है हैशटैग यानी कि डिजिटल आंदोलन चलाया जा रहा था, उसके बारे में चलिए जानकारी ले लेते हैं। आज जो ट्विटर पे जो हैशटैग चलाया जा रहा था कि #RailwayMinister_SaveStudent, इसको लेकर देख सकते हैं आप, बड़ा ट्विटर पे जो है ट्रेंड चल रहा है। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? मतलब आप देख सकते हैं कि सभी कैंडिडेट, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं दिनांक 21 जनवरी 2022 सुबह 11 बजे से लेकर ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है। सभी शिक्षक इसमें शामिल है। ऑलमोस्टली ये टारगेट है कि 1.5 करोड़ यानी कि 1.5 मिलियन ट्वीट जो है आज दिन भर करने हैं। तो सभी लोग अपने अपने तरीके से, आप देख सकते हैं ऑफिशियल खान सर भी जो है यहां पर अपना साथ दे रहे हैं। इनकी सभी लोग जो है ट्विटर के माध्यम से है जो है अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी ट्विटर पे हैं तो इस तरह से जो है इस डिजिटल अभियान में जो है आप भी सहभागी बने, क्योंकि ये एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो CBT 1 हुआ था, आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो है विवादों से भरा हुआ है। इसमें स्कैम को भी कहा जा रहा है कि किस तरह से, और हालांकि एनटीपीसी यानी कि RRB ने जो है कई नोटिफिकेशन के हिसाब से ये साफ साफ बताने की कोशिश की थी कि नहीं, जो उसने किया था वो बिल्कुल सही है। जितने हिसाब से पोस्टें थी उसी हिसाब से 20 times ऑफ कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था। तो आइए इस ट्विटर अभियान में आप हमारा साथ दीजिए। सभी स्टूडेंट्स तक ये इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचनी चाहिए। अगर आप NTPC RRB CBT 1 अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो